अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 3 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फ्रैक्शन। और आज का हमारा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। व्यूअर्स, अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को, किस तरह से हम फ्रैक्शंस को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी सब्सट्रैक्ट न्यूमरेटर्स ओनली इफ फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर्स। तो व्यूअर्स, जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में देखा कि हमने सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड किया था, इसी तरह से हम सब्सट्रैक्शन में भी सिर्फ न्यूमरेटर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास दो स्केयर्स हैं जिनको हमने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाले स्केयर के 5 पार्ट्स को कलर किया गया है, जबकि सेकंड वाले स्केयर के 3 पार्ट्स को कलर किया गया है। तो अब हम इनके न्यूमरेटर्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 5 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर में 2/9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को लेकर चलना है। तो अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 72 की तरफ और देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्यूअर्स, आपके सामने हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स को हमने कलर किया है, और इसी तरह दूसरी साइड पे हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स हैं, जिसमें से 1 पार्ट को हमने कलर किया है। तो हमने अपने आंसर में उतने पार्ट्स को कलर करना है, यानी कि 2 में से 1 को माइनस करना है और 1 पार्ट को हमने कलर कर देना है। इस तरह हमारे पास 1/3 आंसर में आ जाएगा। व्यूअर्स, इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग। जैसा कि हम ये जान चुके हैं कि सब्सट्रैक्शन के अंदर हमने न्यूमरेटर्स में से न्यूमरेटर्स को सब्सट्रैक्ट करना है जब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। 5/6 - 2/6, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं और न्यूमरेटर्स डिफरेंट हैं। तो हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 3 आंसर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा सेम ही होगा। तो हमारा ऑल टुगेदर आंसर 3/6 आएगा। तो व्यूअर्स, इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। लुक एट द फिगर्स, राइट फ्रैक्शंस इन द गिवन बॉक्सेस एंड देन सब्सट्रैक्ट, कलर द रिजल्टिंग फिगर्स। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने शेप को देखना है, उसके टोटल पार्ट्स को देखना है, यानी कि डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसको हमने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर में 9 आएगा, और हमने 3 पार्ट्स को कलर किया है, यानी कि हमारे न्यूमरेटर में 3 आएगा, जबकि दूसरी फिगर में हमने 1 पार्ट को कलर किया है। इस तरह से हमारे पास 1/9 आएगा। तो हमने 3/9 में से 1/9 को माइनस करना है, इस तरह हमारे पास 2/9 आ जाएगा, यानी कि हमने नेक्स्ट वाली फिगर में से 2 पार्ट्स को कलर करना है और हमारा आंसर 2/9 आ जाएगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।